पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार की संविदा पर सैनिकों की भर्ती योजना पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ धोखा बताया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर से देश के युवाओं के साथ छल करने जा रही है। रावत ने कहा कि 4 साल के बाद इस योजना से चयनित युवाओं का क्या होगा, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं के हर रेजिमेंट का अपना इतिहास है। ये रेजिमेंट सभी देशवासियों की शान है, लेकिन संविदा की योजना युवाओं पर कुठाराघात के सिवा कुछ नहीं है, जिसका विरोध लगातार युवाओं द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार युवाओं का विरोध देखते हुए अपने इस फैसले को जल्द वापस लेगी। नौजवानों के हितों पर जबरदस्त कुठाराघात है। ये मोदी सरकार की एक ऐसी कुटिल चाल है जिससे हमारा नौजवान ने घर का निघार कर 4 साल बाद कहाँ जाएगा। ये 25% वो लोग होंगे जो छोटे ऐसे काम करते हैं जिनके आर्मी को दूसरे कामों के लिए ज़रूरत होती है। अरे हमारे बच्चे जो है बहादुरी से सीने पर गोली कर रहे और उनको जो है क्या नाम दे दिया अग्निपथ वीर, अग्निवीर नाम ही नाम है। और ये अग्निवीर हमारी सैन्य परंपरा, यदि इस तरीके के अग्निवीर रखे जाएंगे देश भर में तो ये रेजिमेंट व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। गढ़वाल रेजिमेंट जो हमारा सिरमौर है, कुमाऊं रेजिमेंट हमारा सिरमौर है, जाट रेजिमेंट हमारी सिरमौर है, बहादुरी के प्रतीक हैं। ये रेजिमेंटों का अस्तित्व धीरे धीरे 10-15 साल में ये भी लुप्त हो जाएगा। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट।